ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की ऐतिहासिक रामलीला इस बार क्षत्रिय मैदान पर ना होकर ग्वालियर के फूलबाग मैदान में आयोजित की जाएगी। 75 वर्ष पुरानी इस रामलीला के मंचन के लिए ग्वालियर फूलबाग मैदान पर भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कई वरिष्ठ समाजसेवी नेता, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जहां रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, उसके बाद सभी अतिथियों ने रामलला की आरती उतारी। रामलीला आयोजन समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि सिंधिया परिवार की ऐतिहासिक रामलीला को भव्य बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कई वर्षों से, 75 वर्ष से रामलीला यहां हो रही है और सिंधिया परिवार का पूरा आशीष इस आयोजन पर रहता है। हम सबका संकल्प है कि आज 75 वर्ष पूरे किए हैं, 100 वर्ष पूरे करें और कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन यहाँ आने वाली नहीं है, क्योंकि श्री राम के भगवान में इतनी शक्ति कि क्षत्रिय मैदान में स्टेडियम बन गया है जो बच्चों के खेलने के लिए हॉकी स्टेडियम है। हमने काफ़ी प्रयास किया कि हम वहाँ करें, लेकिन बाद में जब बच्चों को देखा कि हॉकी खेल रहे हैं तो हमारे मन में आया कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात हमने सिंधिया साहब से बात की, जो हमारे संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक, उन्होंने हमको आदेश दिया कि नहीं, हमको स्थान बदल देना चाहिए और इसलिए हमने ये रामलीला यहाँ फूलबाग मैदान पर कर रहे हैं।